जनपद में अगले दो दिन छिटपुट बारिश की संभावना है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिटपुट वर्षा हुई है तथा अगले दो दिनों में जनपद में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अगर कोई किसान धान विक्रय करने के लिए कहीं ले जा रहा है तो धान क्रय केंद्र अधिकारी धान की सुरक्षा की व्यवस्था करें तथा बारिश के बाद ठंड बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार के द्वारा 40,000 कंबलों की व्यवस्था की गई है, जिसका वितरण पात्र व्यक्तियों को जनप्रतिनिधियों व राजस्व कर्मियों के द्वारा वितरण किया जा रहा है तथा सभी तहसीलों को निर्देशित किया गया है कि पात्र व्यक्तियों को एक सप्ताह के अंदर कंबल का वितरण किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिटपुट वर्षा हुई है, आगामी दो दिनों में गोरखपुर साइड में भी वर्षा की संभावना है। मेरा अनुरोध उन लोगों से है जो धान विक्रय कहीं पर करने के लिए ले जा रहे हों या धान क्रय केंद्र के प्रभारियों से मेरा निर्देश है कि धान की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ कर लें। आप सब जानते हैं कि वर्षा के बाद जाड़े की संभावना रहेगी। राज्य सरकार के द्वारा जनपद गोरखपुर के लिए लगभग 40,000 कंबलों की व्यवस्था की गई है, जो पात्र व्यक्तियों को माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, राजस्व कर्मियों के माध्यम से वितरित किए जा रहे हैं। सभी तहसीलों को निर्देशित किया गया है कि आगामी एक सप्ताह में ऐसे सभी लोगों को जो पात्र हों उनको कंबल का वितरण कर दिया जाए।